केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह हापुड़ जनपद के धोलाना में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कंदौला में पहुंचे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने अप्रेंटिसशिप मेले का शुभारंभ किया। मेले में सैकड़ों की संख्या में बेरोजगार युवा पहुंचे, जहां विभिन्न कंपनियों से उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए इस तरह का अभियान चलाकर उनके कौशल का विकास कर रही है। देखिए, एक पूरे भारत के अंदर यह कार्यक्रम चल रहा है कि कौशल विकास के नीचे जो लोग बाग शिक्षा पा रहे हैं, प्रशिक्षण पा रहे हैं, उनको आगे रोजगार कैसे मिले, उसके लिए अप्रेंटिसशिप मेला है। अप्रेंटिसशिप लॉ के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि उनको जिस संस्थान में वो जाते हैं तकरीबन 8,000 रुपये तक उनको वेतन भी मिल सके, वो वहाँ पर अपनी दक्षता भी हासिल कर सकें, और उसके बाद अगर अच्छा काम करते हैं तो उस संस्थान के अंदर वो परमानेंट भी हो सके। तो एक बहुत बड़ी पहल है भारत सरकार की, और आज तकरीबन सभी ITIs के अंदर इसी तरीके से अगले 2-3 दिन तक काम चलता रहेगा। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया, तकरीबन 1,600 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया अपना। इसमें से अब इंटरव्यू होंगे इनके और संस्थान उसी के हिसाब से इनको चुनते रहे। इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं मेले में पहुंचे युवाओं का कहना है कि सरकार युवाओं के लिए अनेक कार्य कर रही है। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे मेला लगा हुआ है और यहाँ पे हमें बहुत इंटरेस्ट है, और यहाँ पे रोजगार मेला भी हो चुका है और यहाँ पे इंटरव्यू भी चल रहा है। सरकार यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है, हमें रोजगारों को भी रोजगार दे रही है, बेरोजगारों को भी। मैं IT अप्रेंटिस के लिए आया हूँ। मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से अप्रेंटिस के बारे में पता चला तो यहाँ मैं आया। इसलिए केंद्रीय मंत्री हमारे जनरल वीके सिंह साहब जी यहीं आए तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही अप्रेंटिस मेले के लिए, तो इससे लाभ होने वाला है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इससे बहुत आगे पहल मिलने वाली है, युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। इस अवसर पर जनरल वीके सिंह, जिलाधिकारी मेधा रूपम, मुख्य विकास अधिकारी प्रेरणा सिंह, हापुड़ BJP जिलाध्यक्ष उमेश राणा, धोलाना के विधायक धर्मेश तोमर आदि उपस्थित रहे।